जी तो सफ़र शुरू होता है मुल्तान के फैसल मूवर्स टर्मिनल से। ये शेजान है, आप सबको तो याद ही होगा, 90s के लोग सकते हैं शेजान। फाइनली ये क्या लिखा हुआ है, फ्लोरा। फाइनली नकली शेजान हमें मिल गई है, बचपन की पुरानी याद। टेस्ट कैसा है? सेम है शेजान। फैसल मूवर्स लेकर मैं चली इस्लामाबाद। नेक्स्ट सुबह मुझे जाना था इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। वहाँ पर गुले और फुआद भाई ने मुझे ड्रॉप ऑफ किया और अब सफर होता है शुरू। ओह माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज मी हमना और आज मैं जा रही हूँ चाइना। मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है और 18 आवर्स का स्टे है। और अभी मेरी फ्रेंड और फुआद भाई आए थे और वो मुझे ड्रॉप करके गए हैं एयरपोर्ट पर। अब देखते हैं, ख्वारी का टाइम स्टार्ट हो चुका है। आई एम मिसिंग घर, मुझे घर जाना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, व्हेन नोबडी इज हियर टू से यू गुडबाय फ्रॉम योर फैमिली, देन इट्स लिटिल बिट पेनफुल एंड हर्टिंग। एक्चुअली हम रिमोट एरियाज़ वालों का यही हालात होते हैं, आपने ट्रैवलिंग से ज़्यादा ख्वारी होती है, बहुत ज़्यादा। और मैं कल 12 बजे से निकली हूँ और स्टिल आई एम ट्रैवलिंग। पहले पहल तो मैं ये ट्रॉली ले लेती हूँ ताकि मैं आसानी से अपना लगेज जो है वो कैरी कर सकूँ। यहाँ पर तो मुझे ज़्यादातर उम्रा वाली इमाम नज़र आ रही है। लेट्स गो इनसाइड। गलती से मैं इन फैमिली के पीछे लाइन में लग गई हूँ जिनके पास दे हैव अ लॉट ऑफ लगेज। जी तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं उरुमची के टिकट काउंटर पे आ गई हूँ, आप बोर्डिंग पास लेते हैं। जी में बैग रिसीव करना है, नेक्स्ट फ्लाइट के लिए दोबारा। ओके, फाइनली बोर्डिंग पास मुझे मिल गया और अभी इतनी लंबी लाइन है जहाँ पर लगकर हमने प्लेन तक जाना है, जहाज तक जाना है। हाँ जी, तो अब हमारी ये लास्ट चेक इन है, उसके बाद बस हम जहाज के पास चले जाएंगे। थैंक गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार बहुत ही सेफ एंड साउंड अभी तक जर्नी जा रही है। लास्ट टाइम तो बहुत भारी थी, बहुत ज़्यादा भारी थी, बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ लगेज और इस बार मैंने सिर्फ 1 पीस ही रखा है और अलाउ भी 1 पीस ही था, सो दैट्स व्हाई। एरोप्लेन का खाना इज रियली ऑलवेज अट्रैक्टिव फॉर मी, अगर हलाल हो तो। अब इन्होंने दिए ये है योगर्ट जो कि हलाल है डेफिनेटली, और ये है मशरूम विद राइस एंड फिश। खाना इतना गर्म था कि मेरी फिंगर्स ही जल गईं, और ये अंकल देखो इतना गर्म खाना खा रहे हैं, आई थिंक इन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। पाकिस्तान से उड़मची की 3 घंटे की फ़्लाइट थी और फिर हम सेफली पहुंच गए उड़मची में, जहां पर -15 डिग्री सेंटीग्रेड था। उड़मची में एंटर होते ही मुंह से धुएं निकलना स्टार्ट हो गए, आखिर -15 डिग्री है। ये तो अब टाइम आता है चाइना में इमिग्रेशन करवाने का, क्योंकि अभी मैं वापस आई हूँ तो मुझे दोबारा से इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। हमने फिल किया एक फॉर्म और उसके बाद हम लाइन में लग गए। फाइनली इमिग्रेशन हुआ तो हमने अपना लगेज रिसीव किया। मज़े की बात ये कि आप किसी का भी लगेज लेके जा सकते हैं इंस्टेड ऑफ सिक्योरिटी। फाइनली फ्रेंड्स, इमिग्रेशन हो चुकी है, चाइना में एंटर हो चुकी हूँ उरुमची में, जिसे उरुमची भी कहते हैं बहुत सारे लोग। और अब मुझे होटल का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, लेट्स सी, मैंने इनको कहा है कि अगर ये दे सकते हैं तो, अदरवाइज आई हैव टू गो आउटसाइड टू फाइंड आउट द होटल। इट्स सो चैलेंजिंग एंड इट्स -15 डिग्री सेंटीग्रेड हियर, तो पता नहीं क्या होता है, लेट्स सी। इन्होंने कहा है कि आपको हम होटल देंगे, मैं सुख का सांस लूँगी अगर मुझे होटल मिल गया इनकी तरफ से। देखिए होटल के लिए कहाँ लेकर जा रहे हैं, लेट्स सी। अंकल आगे चले गए।
ट्रैकिंग पर जा रहे हैं जो कि चाइना एयरलाइन ने किया है, और फॉर्चुनेटली मुझे आगे बैठने के लिए सीट मिल गई है। वो कहते हैं 7 o'clock का खाना आपको पसंद है। घर आ गया हाँ यार मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना अच्छा देंगे। खिड़की नहीं है बस। वाह वॉशरूम कितना कितने शानदार विचार रखते हैं। चाइना साउदर्न एयरलाइन से ट्रैवल करने वालों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर वो बात कर सकते हैं तो टिकट काउंटर से जाकर बात कर लें कि प्लीज़ यू हैव स्टे फॉर लाइक ले ओवर फॉर 18 hours, सो मे बी वो आपको स्टे दे दें, क्योंकि मेरा भी बाय चांस ही हुआ था, अदरवाइज मेरा स्टे इंक्लूड नहीं था। पाकिस्तान की याद डिनर टाइम जल्दी आ जाओ। का मेस तो बहुत मजे का बना हुआ है। खाना आ चुका है। वाओ ये है कुछ फ्राइज, नान और लेग पीस, और ये है चाइनीज ब्लैक टी, लाइक पाकिस्तानी टी बट इट डजंट हैव मिल्क। आंटी ने मुझे गलती से कम डाल दिया था, उन्होंने कहा मैं तुम्हें और डाल देती हूँ। लिटरली नान इतना सूखा था कि मैंने उसको चाय में डुबो डुबो कर खाया। ये वाला खाना ऐसे जैसे ना कैदियों को नहीं दे देते जेल में, बस यही वाला खाना है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सहार और मैं डिसाइड करें कि हम बाहर जाएं थोड़ा आउटिंग पर और वहाँ से उड़मची के खाना भी इंजॉय करें। टाइम उड़मची में 8 बजे में, और आप देख सकते हैं ये इतनी रोशनी है। इसका जो टाइम है, लोकेशन है, वो पाकिस्तान से मैच करती है, लेकिन टाइमिंग्स चाइना की हैं, तो ये बहुत स्ट्रेंज बात है इधर। और अभी हम खाने के लिए निकले हैं क्योंकि हमें वो खाना पसंद नहीं आया था, और अभी हम जाकर कुछ अच्छा तलाश करते हैं, अगर हम ना गिरे तो बर्फ में। यार मून कितना प्यारा लग रहा है। हमें खाना नहीं मिला, और मजे की बात है इस पे 24 hours लिखा हुआ है कि ओपन होता है, देखा हलाल भी है एक तो। हाँ और बंद पड़ा है, और बंद सियापा ही खत्म हो गया। चले ट्रैफिक रुकी हुई थी यार पाकिस्तान जैसा देसी पाकिस्तानी स्टाइल रेस्टोरेंट। हाँ वो ही ठीक है। सहार ने बताया कि यहाँ की पैटीज बहुत ज्यादा फेमस है, वो तो हम चले मीट पैटीज लेने, लेकिन इस वक्त 8 बजे थे और ऑलमोस्ट क्लोजिंग टाइम था, क्योंकि चाइनीज तो 6 बजे डिनर करते हैं ना। मैं बोला मीट मैं बोला ओ किन्हें तो ना यो किन यूरोपियन था शायद माँ यू ठीक है तो इसे नहीं का खाने का ये खा लेता हम हलाल मुस्लिम रेस्टोरेंट आ चुके हैं। बस चाय पे चाय पीते जो तो जाने क्या है मेरे पास क्या है और मुझे की सौगात इस बेचारे का क्या हाल। अच्छा मुझे शिशिर
मजे के है ये, मजे के ये हैं शिनजियांग की नूडल्स यार, टेस्ट तो बहुत गर्म है ना, अभी मैं कर सकती हूँ एक सेकंड, मैं कोशिश कर सकती हूँ कुछ यकीन नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त चाइना में हूँ। यकीन करें कि ये नूडल्स खाते ही मुझे लिप्स के अराउंड मिर्चें लगना स्टार्ट हो गए, लाइक वी आर ईटिंग लाहौरी पाकिस्तानी फूड। बंद कर दिया है, ये 24/7 है शायद, आए रात के 2 बजे। आंखें अच्छी लग रही है, ये पी रही है, पी रही है के ये और इतने काफी टाइम से हां तो ये पीते थे, हां कुछ और ले लेते हैं। नहीं नहीं ये खाए शिकोट खाए, हां कहते कि जो नहीं खा सकते वो मैं बता दूं, कोई भी ले सकते, कोई भी खा सकते। मुझे बाजी से था, हमें लगा था तुम सो गई होगी। सहर और इदा सो चुकी हैं, बट आई कैन नॉट स्लीप होल नाइट। सुबह नमाज पढ़ी, लुक एट माई लिटल क्यूट प्रेयर मैट, और सहर ने मुझे कॉफी बना के दी। और जस्ट पॉइंट टू बी पॉन्डर, सहर रिदा और मैं एक दूसरे को नहीं जानते थे और अभी हम फ्रेंड्स बने हैं। अब हुआ जाता है मेरा एयरपोर्ट पर जाने का टाइम, 7 बजे हैं और अब ये दोनों मुझे जा रही हैं छोड़ने नीचे तक। सुबह 7 बजे और आप इधर अंधेरा चेक कर रहे एयरपोर्ट। एक बात तो तय है दोस्तों, हम सफर अच्छे मिल जाएं तो जिंदगी आसान हो जाती है। 18 आवर्स का ले ओवर सोच सोच कर मुझे कुछ हो रहा था और अब पता भी नहीं चला। ये देखिए टिकट पे गेट नंबर मेंशन है 26। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दूसरा जो चेक इन है वो बहुत ही शांति और स्मूथली के साथ हो गया। लगता है घर वालों ने बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं। इधर बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म की चेकिंग होती है, उन्होंने मेरा बैगेज ओपन करने के लिए भेज दिया था लेकिन वो क्लियर हो गया। फिर उफ, मेहनत काम ले आई निमरा की। ये नया सिस्टम है, 8:25 है, स्टिल इट्स डार्क हियर। गुमती में इस टाइम पे 9 बजे हैं और आप बस अंधेरा चेक करें। इधर जो मौसम है वो टाइम है वो पाकिस्तान वाला है लेकिन टाइम चाइना वाला है, और अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इस टाइम पे यहाँ पे 6 हैं और 6 बजे वाला जो है वो सुबह का अर्ली मॉर्निंग का व्यू है। और निम्रा मुझसे पूछ रही थी ये कौन से टाइप की फ्लाइट्स होती हैं, ये डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं, देखो हम स्टेयर के ऊपर जाएंगे। चाइना सदरन एयरलाइन ने जितना मुझे ख्वार किया था ना, तो सारी कंपनसेशन मुझे लगता है कि अब कर दी है।
और अल्हम्दुलिल्लाह आई होप सो यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ सो आई कैन मेक मोर व्लॉग्स फ्रॉम चाइना फॉर यू. Dear friends, see you till the next video in China again. Allah Hafiz.